सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A54 स्मार्टफोन के बारे में और इसके वन UI 7.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 के बीटा अपडेट के बारे में और स्टेबल अपडेट के बारे में। दोनों ही अपडेट के बारे में बात करेंगे कि ये जो अपडेट्स हैं वो आपको सैमसंग A54 स्मार्टफोन के लिए मिलेंगे या फिर नहीं, और अपडेट है वो कौन से मंथ के अंदर रिलीज होगा, और इसी वन UI 7.0 अपडेट के अंदर आपको कौन कौन से नए फीचर्स हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। सो कंप्लीट इस वीडियो को वॉच करते रहिए। वीडियो आपको ये पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, और फ्यूचर में भी आपको इसी टाइप की वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑल पे प्रेस कर लेना। पहले बात करते हैं ये जो अपडेट है इसका अभी इंडिया में क्या स्टेटस है, वो चल रहा है। तो अभी तक ये जो अपडेट है वो किसी भी स्मार्टफोन के लिए रोल आउट नहीं किया गया है, लेकिन गूगल की तरफ से एंड्रॉइड 15 के बीटा 2 अपडेट है वो यहाँ पर रोल आउट कर दिया गया है। और सैमसंग की तरफ से भी जो वन UI 7.0 अपडेट की अनाउंसमेंट है वो आपको काफी जल्दी देखने को मिलेगी, और इसका जो फर्स्ट बिल्ड है मतलब कि फर्स्ट बीटा अपडेट है इंडिया में सैमसंग की S24 सीरीज के लिए मिलेगा, और उसके लिए आपको सितंबर मंथ का यहाँ पर वेट करना होगा। और हम लोग बात करें सैमसंग गैलेक्सी A54 स्मार्टफोन के बारे में, तो इसका वैसे एक नया मॉडल आ चुका है A55, तो A54 के लिए थोड़ा सा लेट अपडेट है वो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको मिलेगा नवंबर मंथ की एंडिंग के एप्रोक्स। और डायरेक्ट स्टेबल अपडेट है वो रोल आउट किया जाएगा, बीटा अपडेट है वो सैमसंग के A54 स्मार्टफोन के लिए आपको नहीं मिलेगा। स्टेबल अपडेट होगा तो उसके अंदर सारी आपको फीचर्स नए मिलेंगे और बग्स है वो भी काफी अच्छे मिलेंगे, तो काफी यहां पर ये अच्छी बात है। बाकी हम लोग बात करें अपडेट के कुछ नए फीचर्स के बारे में, तो इस बार आपको वर्टिकल एप ड्रॉवर का जो फीचर है ना वहां पर मिलने वाला है। ये जो आपको सैमसंग का एप ड्रॉवर देखने को मिलता है जो कि हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वर्टिकल एप ड्रॉवर का फीचर है वो यहाँ पर काफी जल्दी आने वाला है। साथ में मल्टीपल लॉक एंड होम स्क्रीन के जो सेटअप्स हैं वो आप लोग अप्लाई कर पाओगे, जैसे कि आईफोन्स के अंदर होता है, आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता ये फीचर कैसे काम करता है तो इस फीचर के ऊपर ऑलरेडी हमने आज ही एक नई वीडियो है वो अपलोड करी है, तो आप लोग हमारी इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करके ये जान सकते हो वन UI 7.0 अपडेट के अंदर आपको कौन कौन से नए फीचर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ में बैटरी हेल्थ है उसको यहाँ पर चेक कर पाओगे। तो वैसे सैमसंग का A54 स्मार्टफोन है, सैमसंग ने यहाँ पर वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि 3 साल के बड़े एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, तो तब ये जो बैटरी हेल्थ वाला फीचर है वो हमारे काफी ज्यादा यहाँ पर काम आने वाला है। और एप सैंडबॉक्स का फीचर आने वाला है, मतलब ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो हमारा ज्यादा डाटा है ना वो यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएगी, और जो कैमरा एप्लीकेशन है उसके अंदर जो प्रो मोड है वो और भी ज्यादा यहाँ पर इंप्रूव किया जाएगा, और साथ में जो आइकन्स हैं उनके आप लोग साइज और शेप है वो चेंज कर पाओगे, और कुछ नए कलर्स है वो यहाँ पर ऐड कर पाओगे। तो ये कुछ गाइस आपको नए फीचर मिलेंगे। साथ ही में जो हमारा कंट्रोल सेंटर है उसको भी यहाँ पर हल्का सा सैमसंग की तरफ से रीडिजाइन किया जाएगा, तो ऐसे कुछ नए फीचर्स आपको मिलेंगे। और साथ में ये जो अपडेट है वो काफी ज्यादा स्मूथ होने वाला है, और आप लोग ये जो अपडेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो नवंबर मंथ की एंडिंग के अप्रोक्स। बाकी फ्यूचर में जैसे इस अपडेट के ऊपर टेस्टिंग है वो स्टार्ट होगी सैमसंग A54 5G स्मार्टफोन के लिए, वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। और आप लोग सैमसंग का टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, यहां पर ये सभी इंफॉर्मेशन है वो आपको पहले ही देखने को मिलती रहती है। गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।